तो वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एसपी टेक्निकल सर जी। तो जैसा कि हम बता दें, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं फ्लोरोसेंट पाउडर के बारे में। चलिए हम देखते हैं फ्लोरोसेंट पाउडर्स क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है इसका डिफिनेशन कि इट इज अ सॉलिड डोजेस फॉर इट इज अ फाउंड इन पाउडर्स आर ग्रेन्यूल फॉर्म व्हेन फ्लोरोसेंट पाउडर केप्ट इन ओपन एनवायरनमेंट देन इट्स रिलीज वाटर वेपर्स एंड लॉस ऑफ इट्स वेट। यानी कि इसका क्या मतलब, यह एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ठीक है। जो फ्लोरोसेंट पाउडर क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म है। किस फॉर्म में पाया जाता है, पाउडर में, पाउडर फॉर्म में या फिर ग्रेन्यूल फॉर्म में पाया जाता है। फिर आगे क्या बोल रखा है यहाँ पर, व्हेन फ्लोरोसेंट पाउडर केप्ट इन ओपन एनवायरनमेंट। अगर यदि हम फ्लोरोसेंट पाउडर को ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं तो क्या होता है, देन इट्स रिलीज वाटर वेपर्स एंड लॉस ऑफ इट्स वेट। तो क्या होगा, अगर यदि हम फ्लोरोसेंट पाउडर को ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वहां पर वह वाटर वेपर को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। और उस दौरान वाटर वेपर जब अगर यदि रिलीज होगा तो उस दौरान क्या होगा, वहां पर उसकी जो वेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि लॉस ऑफ इट्स वेट, यानी कि उसका वेट क्या होगा, कम होगा। जैसे कि अगर यदि मान लीजिए आप, ये हमारा कोई अगर ये पाउडर्स यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, अगर यदि कोई पाउडर्स इसमें रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो पाउडर्स होगा, पाउडर्स जो होगा ये क्या करेगा, वाटर वेपर रिलीज करेगा, यानी कि वाटर वेपर, यानी कि इस तरीके से क्या होगा, वाटर वेपर यहाँ पर रिलीज होगा। ओपन एनवायरनमेंट में रखा हुआ है और तो वहां पर क्या हो रहा है कि ये वाटर वेपर में अगर रिलीज कर रहा है, जब वाटर वेपर रिलीज होगा तो इसका जो वेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही होता है हमारा क्या, फ्लोरोसेंट पाउडर, जो यहाँ पर मैंने क्या डिफिनेशन लिख रखा है फ्लोरोसेंट पाउडर का, ठीक है। तो ये था फ्लोरोसेंट पाउडर। और हम दो तीन चीज और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। इट इज डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। देखिए, जो फ्लोरोसेंट पाउडर था वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अगर यदि रूम में रखते हैं तो उसमें का एनवायरनमेंट कुछ और होता है, ठीक है। अगर यदि ओपन एनवायरनमेंट में रखेंगे वहां पर कुछ और होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, इट इज नॉट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। जो हमारा फ्लोरोसेंट पाउडर था वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करता है। और यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करते, एग्जाम्पल से क्या है, बोरेक्स है और क्या है, कॉपर सल्फेट। ये है इसके दो एग्जाम्पल। तो ये था हमारा फ्लोरोसेंट पाउडर जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।